जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के बारे में। बुक जो हम पढ़ रहे हैं वो है सोशल साइंस क्लास 7। जी हाँ, ये एक नई एनसीईआरटी सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ। जो पिछली सीरीज़ थी ज्योग्राफी क्लास 6 एनसीईआरटी, वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो देखते हैं इस चैप्टर को, यानी चैप्टर नंबर 1 जो है ये इक्वालिटी के बारे में, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहीं पर सारी जो है बातें होंगी। तो देखो, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है मैंने खोल रखा है चैप्टर नंबर 1। ठीक है, रेड पेन ले लेता हूँ। चैप्टर नंबर 1, ठीक है। टॉपिक जो है चैप्टर का वो है इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी क्या होता है? इक्वालिटी आया है इक्वल से। ठीक है, इक्वल क्या होता है? बराबर। बराबर का मतलब क्या है यहाँ पर, उसके बारे में जो है अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले पिक्चर में देख लो, आपको ये जो है यहाँ पे जो ये औरत दिख रही है, ये टीचर हैं, ये ट्रेडर हैं, अगला स्टूडेंट, डोमेस्टिक वर्कर, ये डोमेस्टिक वर्कर। ठीक है, तो मतलब कि इनके जो पिक्चर है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक एक पिक्चर को, एक एक बॉक्स को जो है मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये जो लेडी खड़ी है, इनका जो प्रोफेशन है वो टीचर का प्रोफेशन है। ठीक है, बैग बस्ता लेके खड़ी है यहाँ पे। ठीक है, ये जो जो ये आदमी खड़े हैं, ठीक है, ये ट्रेडर हैं। ठीक है, किसी चीज़ का ट्रेड करते होंगी। अगला जो है कॉलेज स्टूडेंट लग रहा है मुझे। इसके बाद में जो ये डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो ये साड़ी में खड़ी हैं, ठीक है, काम जो करती हैं, डोमेस्टिक हेल्प जो करती हैं, लोगों के घर में जाके जो है वहाँ पे बर्तन मांजना या साफ़ सफाई करना, वो जो है इनका प्रोफेशन लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे बेसिकली यहाँ पर जो है थोड़े से कि इमेजेस दे रखी हैं। इसके बाद में जो है यहाँ पे बात करते हैं इक्वालिटी के बारे में, स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडिया जो है एक डेमोक्रेसी है, यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है, ये हम क्लास 6 की बुक में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि जो की एलिमेंट्स होते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं कि लोग जो हैं, ठीक है, लोग जो हम हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यानी हमारी पार्टिसिपेशन ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। ठीक है, मतलब ऑटोक्रेसी, अगर आप कभी सुना हो कि ऑटोक्रेसी है, ये ऑटोक्रेटिक कंट्री है, तो मतलब वहाँ पे जो है लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होती। ठीक है, इतनी कुछ खास पार्टिसिपेशन आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप बोल सकते हो आप उसको, कि एक मनमानी चल रही है किसी भी एक व्यक्ति की या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है, जिसके बारे में हम क्लास 6 में भी बात करी है, वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, लोग जो है वोट देते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके सब मिलके जो बैठते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में, और वहाँ पर जो है कानून बनते हैं, लॉज बनते हैं स्टेट के लिए और पूरी कंट्री के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो है लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन वोटिंग देने में, और इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है उनका लॉज बनाने में। ठीक है, इसके बाद में रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, ये भी एक फीचर है डेमोक्रेटिक कंट्री का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। ठीक है, रिजोल्यूशन कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, कि लोगों को जो भी मतभेद हो, लोगों की जो भी परेशानी हो, ठीक है, कोई अड़चन हो, ठीक है, जैसे कि कहीं पर जो है सफाई नहीं हो रही, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो गार्बेज की जो गाड़ियां होती हैं, जो कूड़ा उठाने आती हैं, वो नहीं आ रही। ठीक है, तो लोगों की जो बेसिकली ये एक मतलब कि एक दिक्कत है, उसका समाधान हो। ठीक है, इसीलिए वो जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो अपनी बात को रख सकते हैं आगे। ठीक, गवर्नमेंट को वो बता सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से, न्यूज़पेपर से, ठीक है, टीवी से, इंटरनेट से, ठीक है, मैगजीन से, प्रोटेस्ट करके। ठीक है, वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं इनको, शोक रोड पे जो है उतर के जब वो ऐसे नारे लगाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वो बैनर उठा के जब वो बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो बेसिकली अपनी कन्फ्लिक्ट के लिए एक रेजोल्यूशन मांग रहे हैं। ठीक है, कि भाई हमारी कन्फ्लिक्ट को, हमारी जो दिक्कत है उसे रिजॉल्व करो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक कंट्री का, डेमोक्रेटिक नेशन का जो फीचर है वो मैं बता रहा हूँ। पीपल्स पार्टिसिपेशन पहला, दूसरा रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, ये आपको एग्जाम में लिखना है अगर आपके क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है, इसके बाद में इक्वालिटी, कि हर एक व्यक्ति जो है वो बराबर है। ठीक है, इक्वालिटी है हर चीज़ में, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हर एक स्फीयर में जो है इक्वालिटी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। ठीक है, कोई किसी से ऊपर नहीं है और कोई किसी से नीचे नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेटिक कंट्री का। ठीक है, ये तीसरा फीचर है। चौथा है जस्टिस, कि कोई भी अगर चीज़ गलत होए आपके साथ में, तो आपको न्याय मिलना चाहिए, यू शुड गेट जस्टिस।
ठीक है, आपको जो है न्याय कहाँ से मिलेगा, न्यायालय से मिलेगा, यानी कोर्ट से मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट जो होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों है, ये आपको न्याय दिलवाने के लिए ही है, यही आपको न्याय देती हैं जब आपके साथ में कुछ गलत होता है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर चाहे वो किसी और व्यक्ति के द्वारा आप पर कुछ अन्याय हुआ हो, तो आप जो है जस्टिस मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो लोगों की पार्टिसिपेशन, उसके बाद में रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, तीसरा जो है इक्वालिटी यानी बराबरी, हम सब बराबर हैं, हमें सबको जो है मतलब कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। अगर एक व्यक्ति जो है लाइन में खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो दूसरा व्यक्ति चाहे वो जितना भी अमीर हो, चाहे वो जितना भी गरीब हो, उसे भी लाइन में खड़े होकर ही जाना चाहिए, ठीक है, जाना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं इक्वालिटी। अभी कितना फॉलो होता है, कितना नहीं होता है, इसको आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चौथा है जस्टिस, कि आपको जो है न्याय, अगर मतलब कि अगर आपके साथ अन्याय होता है तो आप न्याय मांगने के लिए न्यायालय यानी कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट फीचर हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, डेमोक्रेटिक नेशन के। अब इसके बाद में इक्वालिटी जो है, ठीक है, वो की फीचर है डेमोक्रेसी का, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ऊपर, ठीक है। और वो क्या होता है कि वो करता है इन्फ्लुएंस किसको, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को, ठीक है। अब क्या मतलब मेरा कहने का इससे क्या मतलब है, देखो गवर्नमेंट जब भी काम करती है, कोई योजना लेके आती है गरीबों के लिए, ठीक है, कोई पॉलिसी लेके आई है, तो उसका जो है बिहाइंड, ठीक है, मतलब कि बैकग्राउंड में यानी बिहाइंड द सीन उसका जो एक मोटिव होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली यही होता है कि इक्वालिटी लेके आना सोसाइटी के अंदर, ठीक है। योजनाओं का बेसिकली काम क्या है कि गरीब जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है उनके लिए स्कूल बनाए जाएँ, ठीक है, टीचर्स अच्छे हों, ठीक है, उसके बाद में वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आए स्कूल के अंदर, ठीक है, और मतलब जो मिड डे मील स्कीम वहाँ पर मतलब कि अच्छे से काम करे स्कूलों में। तो बेसिकली क्या मतलब है, अगर कोई भी योजना आती है किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए, ठीक है, या देश में हम आम तौर पर देखते हैं कि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की अलग अलग मिनिस्ट्री में जो है योजनाएं चलाती है गवर्नमेंट, तो उनका बेसिकली क्या फंक्शन होता है कि वो इक्वालिटी को लेके आ रही हैं अलग अलग स्फीयर में, ठीक है। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो इक्वालिटी लेके आने की कोशिश कर रही है हेल्थ के स्फीयर में, कि सभी को उतनी ही हेल्थ की जो है फैसिलिटीज़ मिलें, ठीक है, ना कि बस अमीर लोगों को, गरीब लोगों को भी उतनी ही हेल्थ की फैसिलिटीज़ मिल पाएँ, तो वो है हेल्थ मिनिस्ट्री का काम। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या करती है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इक्वालिटी लेके आ रही है कौन से स्फीयर में, एजुकेशन के स्फीयर में, कि भाई जितने जो है अमीर बच्चों के लोग जैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं तो गरीब बच्चों के लोग पीछे ना हट, मतलब कि पीछे ना रह जाएं, तो उनको भी उसी लेवल की, उसी क्वालिटी की एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो वो इक्वालिटी लेके आ रही है कौन से स्फीयर में, एजुकेशन के स्फीयर में। कौन लेके आ रहा है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ऐसे जो है गवर्नमेंट काम करती है अपने अलग अलग मिनिस्ट्री के द्वारा, और हर जगह पर जो है इक्वालिटी लाने की कोशिश करती है, हर एक स्फीयर के अंदर इक्वालिटी को लेके आने की कोशिश करती है। वही इसका, वही उनका जो है बेसिकली मोटिव होता है, ठीक है, हर एक उनके एक्शन के पीछे ऑलमोस्ट, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे कि इक्वालिटी जो डेमोक्रेसी के अंदर हमें देखने को मिलती है, ठीक है, क्या वो फॉलो होती है, मतलब बेसिकली पहली बात तो ये है कि इक्वालिटी है क्या, ठीक है, मैंने आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया, लेकिन इक्वालिटी है क्या एक्चुअल में, ठीक है, मतलब कि टेक्स्ट में पढ़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि मैं बस आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता था ताकि जब हम पढ़ें तो आपको जो है आसानी हो समझने में। तो इक्वालिटी क्या है, क्यों वो इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर, क्या जरूरत है इक्वालिटी की, क्यों भाई हम इक्वालिटी लेके आए, गवर्नमेंट क्यों इक्वालिटी लेके आए, ठीक है, वो उसका रीजन क्या है, ठीक है, उसके पीछे क्या सभी लोग, ठीक है, मतलब कि इक्वल हैं, वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, भारत के अंदर इस मूवमेंट पर जो है, ठीक है, क्या सभी लोग गरीब अमीर या मिडिल क्लास के बैकग्राउंड से जो आते हैं, क्या सभी वो बराबर के स्तर पर खड़े हुए हैं एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में, क्या वो एक सेम लेवल पर हैं या नहीं है, ठीक है। तो इन बातों को जो है हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली एक स्टोरी दे रखी है ये, ठीक है, स्टोरी को जो है यहाँ पे इसमें आई थिंक ये किरदार हैं, स्टोरी के पूरे चैप्टर में जो आपको किरदार मिलेंगे बेसिकली, ठीक है, देखने को, वो इसी टाइप के बेसिकली मिलेंगे, इसीलिए शायद यहाँ पे जो है ये कैरेक्टर बना रखे हैं ऊपर, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। एक इलेक्शन का दिन था जब कांता और उसकी दोस्त सुजाता जो है वोट देने गई थी। ये यहाँ पर जो है कांता है, ये सुजाता है, ठीक है। तो कांता जो है वो पूछ रही है सुजाता से, और उसे मतलब बेसिकली बात कर रही है कि कितनी अच्छी बात है कि हम इक्वल सिटीजन हैं इस देश के, यानी कोई भी ऊपर नहीं है, कोई भी नीचे नहीं है, हम सब एक बराबर के लेवल पर जो है सिटीजन है, हमें जो राइट दिए गए हैं वो इक्वल राइट दिए गए हैं, ठीक है, वोट करने के। और ये जो है कहते हुए वो कहती हैं कि देखो जैन साहब,
मतलब कहने का ये है, जैन साहब यहाँ पर पीछे खड़े हैं, तो जैन साहब जो है वो भी लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, हमारे साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। और देखने से पता चल रहा है कि ये जो औरतें हैं ये बेसिकली क्या कहना चाह रही हैं कि मतलब जैन साहब जो है हमसे ज़्यादा वेल टू डू हैं, जो आगे स्टोरी में हमें पता चलेगा, ठीक है, कि जैन साहब जो है वो वेल टू डू फैमिली से हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं ये डोमेस्टिक वर्कर हैं, ठीक है, मतलब कि साफ़ सफाई करती हैं दूसरों के जो घरों में जाके, ठीक है, बर्तन मांजना या साफ़ सफाई करना। तो मतलब कि एक जो व्यक्ति है वो एक इतना वेल टू डू, उससे मतलब कि उसका स्टेटस जो है मतलब कि सोसाइटी में देखा जाए तो वो काफ़ी वेल्थी फैमिली से है, और लेकिन ये जो दोनों औरतें हैं ये गरीब फैमिली से हैं, लेकिन फिर भी एक ही लाइन में खड़ी हैं, मतलब ये सब, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि ये हमें बताता है कि हर एक नागरिक को जो है इक्वल वोटिंग राइट दिया गया है, यानी हमारे देश में चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कोई से भी बैकग्राउंड से आता हो, कोई से भी रिलीजन से आता हो, ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति जो है एडल्ट है, यानी 18 या 18 साल से ऊपर की उसकी उम्र है, तो उसको जो है एक वोट मतलब कि उसके पास होगा, यानी उसका जो राइट है वो एक वोट का, ठीक है, सभी को एक एक वोटिंग एक एक वोट का राइट दिया जाएगा, ठीक है। अमीर है तो ऐसा नहीं कि चार वोट दे सकता है, वो गरीब है तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल वोट नहीं दे सकता, ठीक है, सभी को वोट देने का राइट है और एक ही वोट है सभी के पास। तो ये कितनी अच्छी बात है, यही जो है दोनों औरतें यहाँ पे बात कर रही हैं, ठीक है। अब जो है इनकी वोटिंग का नंबर आया, कांता जो है अब वोट देने के चली गई। तो इसके बाद में कांता ने अपने मन में सोचा ये बात कि जिस व्यक्ति ने हमें प्रॉमिस किया है, ठीक है, जो कैंडिडेट जो है खड़ा हुआ है, जिसने हमें प्रॉमिस किया है कि भाई मैं पाइप वाटर लेके आऊँगा तुम्हारे एरिए में, तो मैं उसको वोट दूंगी, ठीक है। तो ऐसा जो है कांता अपने मन में सोच के वोट देती है, ठीक है। हर एक कैंडिडेट जो हर एक मतलब कि जो व्यक्ति है वोट देने जब जाता है तो वो यही सोचता है कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है हमारी एरिया से वो हमें क्या प्रॉमिस कर रहा है, कि वो हमारे लिए क्या करेगा, तभी तो आप उसको वोट दोगे, ठीक है। आप उसको वोट नहीं दोगे जो हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, ऐसे कैंडिडेट को आप वोट दोगे जो आपकी मतलब कि हेल्प कर रहा हो, चाहे वो शायद एजुकेशन में हेल्प करे, चाहे वो स्कूल सेटअप करेगा, या फिर जो है वो मतलब कि क्लीनलीनेस में जो है एरिया की वो हेल्प करेगा, पाइपलाइन मतलब कि जो वाटर पाइप जो है वहाँ उनको लेके आएगा घरों तक, साफ पानी दिलवाएगा। तो ऐसे जब प्रॉमिस करते हैं कैंडिडेट जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से खड़े होते हैं, तब जो है आप एक मन में सोच के वोट देते हो कि हाँ मुझे ये वाला कैंडिडेट जो है मतलब कि ट्रस्टवर्दी लग रहा है और ये हमारी जो प्रॉमिसेज हैं उसको फुलफिल करेगा, तो मैं इसको वोट दूंगी या दूंगा, ठीक है। तो ऐसे बेसिकली जो है वोटिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वोटिंग दे रही है जो कांता है, ये वोट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद में देखो क्या होता है, वोट देने के बाद में जो ये जैन साहब हैं इनको मतलब कि बाय बाय बोल रही है यहाँ पे, ठीक है। और जैन साहब जो हैं बोल रहे हैं वी विल सी यू लेटर कांता, ठीक है, अगर नमस्ते बोल रही हैं यहाँ पे। तो जो दोनों औरतें हैं अब इनके बीच में बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि इनमें से एक जो औरत है उसकी बेटी, ठीक है, क्या होगा उसको, उसको फीवर हो गया है, ठीक है, और उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन वो कहती है कि मुझे जो है जैन साहब के घर पे काम करना पड़ेगा पहले, उसको काम करने के बाद में ही जो है मैं कुछ एडवांस मांग पाऊंगी, ठीक है, और एडवांस से जो है बेसिकली मैं अपनी बेटी को घर पे मतलब हॉस्पिटल लेके जा सकूंगी, ठीक है। तो ये कांता है, कांता की बेटी बीमार है यहाँ पे, ठीक है, देखो दिख रहा है ये कांता है। तो कांता की बेटी जो है उनको फीवर हो गया है, तो यहाँ पर वो पानी दे रही हैं बेटी को और बोलती हैं कि जब मैं वापस आ जाऊँगी जैन साहब के घर से काम करके शाम को, तो हम हॉस्पिटल चलेंगे, ठीक है। अब जो ये इनकी जो बेटी है, ठीक है, कांता की जो बेटी है वो बीमार क्यों हुई, अगर उसके बारे में थोड़ा सा सोचें तो देखो ये जो गरीब लोग हैं, ठीक है, और आपको कहीं पर भी देख लेना जो डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं, ठीक है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है, स्लम एरिया में रहते हैं जहाँ पर इतनी साफ़ सफाई नहीं होती, गंदगी देखो कैसे फैली हुई है यहाँ पर, ठीक है, कूड़ा करकट फैला हुआ है, कोई यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कोई गाड़ी नहीं आती होगी कूड़ा उठाने के लिए, समझ रहे हो। तो जहाँ पे ज़्यादा गंदगी होगी, ठीक है, तो बस्ती का जो इलाका होता है, बस्ती का जो एरिया होता है, ठीक है, वो कभी साफ़ सफाई वहाँ पे नहीं हो पाती, ठीक है, ढंग से। तो इसीलिए जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होगी वहाँ पे बीमारी आएंगी, और इसीलिए जो है कांता की बेटी बीमार हो गई, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे देखने को मिलता है कि कांता जो है यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हैं, ठीक है, और साफ़ सफाई करने के बाद में जो यहाँ पे जो जो मेम साहब जो है मतलब कहने का मतलब ये है कांता की मेम साहब या जो लेडी है यहाँ पे, ठीक है, जो मतलब कि इस मालकिन बोल लो आप इसके घर की, तो वो कह रही हैं कि कोनों को जो है ढंग से साफ़ करना कांता, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जो साफ़ सफाई जो है वो ढंग से करना, ठीक है। तो देखो कि क्या हालत होती है, क्या कंडीशन होती है डोमेस्टिक वर्कर्स की, ठीक है, कि एक तरफ जो है उनके पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, वो गरीब हैं, बस्ती में रहते हैं, वहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं है, उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, और ऊपर से जो है यहाँ पे जो ये अमीर लोग हैं वो कह रहे हैं कि कौन कौनों को ढंग से साफ़ करना, ठीक है।
इसके बाद जो है ये थोड़ा एडवांस दे देती है कांता को, लेकिन कह रही है कि इसकी आदत मत बनाना, इस बार तो दे रही हूँ। मतलब कि इतने क्रूरता कई बार जो है हमें देखने को मिलती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी लोग ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत बार जो है आपको ये सब देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो कांता जो है पैसे ले लेती है और उसके बाद में जो है शाम को अपनी बेटी को देखो यहाँ पे जो है उठा के अस्पताल लेके जाती है। ठीक है, तो ऐसी बेसिकली जो है मतलब कि लाइफ होती है गरीब लोगों की। ठीक है, जो ये मतलब कि साफ जो डोमेस्टिक वर्कर का जो काम करते हैं या फिर जो गरीब लोग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली इक्वल राइट की। ठीक है, इक्वल यहाँ पे जो टेक्स्ट के साथ में जो है सारा कुछ हमें समझ आएगा। ठीक है, तो जो ऊपर की स्टोरी है वो क्या बताती है हमें, कांता के बारे में बताती है। जो कांता जो है लाइन में खड़ी हुई है वोट देने के लिए, हमने सारा कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, मैं बता चुका हूँ, बस थोड़ा जल्दी जल्दी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। कांता जो है लाइन में खड़ी हुई है वोट देने के लिए। ठीक है, और वो और लोगों को देखती है जो उसके साथ लाइन में खड़े हुए हैं। तो कांता देखती है कि वहाँ पे अशोक साहब जो जैन साहब जो हैं वो भी खड़े हुए हैं। ठीक है, जो उनके पड़ोसी हैं। ठीक है, छोटे लाल, आई थिंक छोटे लाल या जैन साहब दोनों होंगे आई थिंक उनके पड़ोसी। ठीक है, जो भी है आगे बढ़ते हैं। तो डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे भारत जैसी कोई डेमोक्रेटिक कंट्री अगर है, ठीक है, तो ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो सभी एडल्ट होते हैं, ठीक है, यानी एडल्ट मतलब 18 या 18 साल से ऊपर की जिसकी उम्र है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव वो व्हाट रिलीजन, कौन से धर्म से वो बिलोंग करते हैं, कितनी उनकी एजुकेशन है, चाहे वो बिल्कुल ना पढ़े हों, चाहे वो उन्होंने पीएचडी कर रखी हो, वो किसी भी कास्ट से चाहे बिलोंग करते हों, डज नॉट मैटर, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, डज नॉट मैटर, सभी को वोट देने का मतलब कि राइट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री भारत जैसे है, ठीक है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं हम, ठीक है, भारत को। तो मतलब कहने का ये है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री या जहाँ पर जो हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जो है सभी लोगों को वोट देने का राइट है। डज नॉट मैटर वो कौन से धर्म से बिलोंग करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं वो, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अमीर है या गरीब है, डज नॉट मैटर, सभी के पास एक वोट देने का जो है राइट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो हमने क्लास सिक्स में भी पढ़ा है, यहाँ पर जो है रिपीट कर रहे हैं बस। ठीक है, और वो एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का, समझ रहे हो। और ये किसके बेस्ड, मतलब कि किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है कौन सी आइडिया पे, इक्वालिटी के आइडिया पे। इक्वालिटी के आइडिया पे कैसे बेस्ड है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी अमीर है, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, सभी के पास सिर्फ एक ही वोट है, समझ रहे हो, तो मतलब सब एक ही लेवल पर हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी के बेस पे जो है ये कंसेप्ट आया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का। ठीक है, तो कांता जो है बहुत एक्साइटेड है वोट देने के लिए और उसने जो है वोट दे दिया है। ठीक है, और वो सोचती है कि सभी जो हैं, ठीक है, इक्वल हैं, क्योंकि सभी को जो है एक ही वोट देने का अधिकार है। लेकिन ये इक्वालिटी सच में मतलब कि एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, नहीं करती, उसके बारे में थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे जो है उसका दिन गुजरता है, तो कांता जो है उसको डाउट होने लगता है कि सच में क्या ये इक्वालिटी मतलब एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और कांता ऐसे अनश्योर क्यों हो जाती है, क्योंकि जब वो अपनी ज़िंदगी को देखती है, जब वो अपनी जो रोज़मर्रा जो ज़िंदगी है उसकी, ठीक है, रोज़ की उसकी जो लाइफ है उसको देखती है, ठीक है, तो उसे पता चलता है कि नहीं, मतलब वो एक क्या बोलते हैं, एक गरीब इलाके में रहती है, एक झुग्गी झोपड़ी ऐसे इलाके में रहती है जहाँ पे बिल्कुल गंदगी ही गंदगी है। ठीक है, उसके घर के पीछे से एक नाला गुजरता है, ठीक है, मतलब कि गंदगी का जो है उसमें काफ़ी कूड़ा करकट फेंक रखा होगा लोगों ने। ठीक है, उसके बाद में उसकी जो बेटी है वो मतलब कि बीमार हो जाती है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास एक दिन भी वो नहीं ले सकती अपने काम से छुट्टी। ठीक है, क्योंकि उसे जो है पैसे बोरो करने पड़ेंगे अपने एम्प्लॉयर से, यानी जो ये इसकी जो ये कांता की जो मेम साहब है, ठीक है, या मतलब की जो मैडम है, ठीक है, ये इसको पैसे नहीं देगी अगर वो छुट्टी ले लेगी कांता। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पैसे बोरो करने के लिए भी, एडवांस लेने के लिए भी जो है उसको काम करना पड़ेगा कांता को, मतलब, ठीक है, और वो छुट्टी नहीं ले सकती अपनी बेटी को दिखाने के लिए भी अस्पताल में, उसको जो है मतलब कि शाम को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ऐसी जो लाइफस्टाइल है, ठीक है, जो डोमेस्टिक हेल्प की जो उसकी जो ये जॉब है उसे बहुत थका देती है, ठीक है, उसे तोड़ देती है, और उसका जो दिन है ना, ठीक है, वो फिर कैसे एंड होता है, वो एक लंबी लाइन में खड़े होकर जो है ख़त्म होता है। ठीक है, तो ये जो लंबी लाइन है ये गवर्नमेंट अस्पताल के आगे लगती है। ठीक है, और ये वो वाली लाइन नहीं है जो सुबह उसने देखी थी, यानी जो वोटिंग वाली जो लाइन थी जिसके बेस पर उसको लग रहा था कि हाँ हम सब इक्वल हैं, ठीक है, क्योंकि सबको एक वोट देने का अधिकार है बस, तो उसके बेस पे जो उसने सोचा था कि हम सब इक्वल हैं वो शायद सही ना नहीं है, वो इसने शायद सही नहीं सोचा। ठीक है, मतलब कि गलत पर्सपेक्टिव मतलब जो है इसके कांता के मन में आ गया शायद। ठीक है,
तो कहने का मतलब यही है इसमें पूरे पैराग्राफ में कि कांता जो है अनश्योर हो जाती है, मतलब उसको डाउट होने लगता है कि जो कंडीशंस हैं उसकी काम की, जहाँ वो रहती है, ठीक है, गंदगी में, वहाँ पे स्लम के एरिए में नाला बह रहा है, पीछे साफ़ सफाई नहीं हो रही है, उसको छुट्टी नहीं मिल सकती एक दिन की भी, उसे बोरो करने के लिए पैसे भी पूरा काम करना पड़ता है, ठीक है, और पूरे दिन के बाद वो थकी हारी आती है, ठीक है, और उसके बाद में भी जो है उसे पूरी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों की तरह जो है अस्पताल में जल्दी से वो करा लिया, मतलब अपना इलाज करा लिया, प्राइवेट अस्पताल में चली गई, ठीक है, इतना पैसे भी नहीं है उसके पास प्राइवेट अस्पताल में, मतलब कि अपने बेटी का इलाज कराने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना उसे क्या बताती हैं कि शायद हम सब जो लोग हैं वो इक्वल नहीं हैं, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि इस लाइन में ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन लगी हुई है ये वाली, ठीक है, इसमें जितने भी लोग हैं वो गरीब लोग ही हैं, कोई भी जैन साहब की तरह जो है अमीर यहाँ पर नहीं खड़ा मिलेगा, ठीक है। तो ये बता रही है कांता, बोल रही है अपनी बेटी को, बेटी थोड़ी देर और रुक जाओ, ठीक है। तो सोच रही है कांता कि जैन मैडम और जैन साहब जो हैं वो लाइन में भले ही वोट देने के लिए खड़े तो हो, लेकिन उन्हें इतना वेट नहीं करना पड़ता होगा जब उनके बच्चे बीमार होते होंगे। और हाँ, ये सही बात है, ठीक है, कि अमीर लोग जो हैं वो बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे जाते हैं अस्पताल में, स्पेशली या तो गवर्नमेंट अस्पताल में तो जाते नहीं है पहली बात, ठीक है, प्राइवेट में जाते हैं, और प्राइवेट में भी जो है वो अपनी वो मतलब कि बोलते हैं कि हाँ भाई डॉक्टर साहब को बोलो कि सो एंड सो आए हैं, ठीक है, तो मतलब कि वो लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता वहाँ पे। प्राइवेट अस्पताल में भी वो ज़्यादातर जो है लाइन में आप नहीं देखोगे, मतलब कि अमीर लोगों को, क्योंकि वो जो है डायरेक्टली मतलब कि कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं डॉक्टर से, और जो है जल्दी से अपना काम बनवाने के लिए जो है वहाँ पे मतलब जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब कि रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, ठीक है, तो हम आगे और अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी, और कौन कौन सी प्रकार की जो इक्वालिटी हैं वो होती हैं, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। अब कांता जो है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो इस डेमोक्रेटिक इंडिया में, यानी जो भारत में, डेमोक्रेटिक भारत में रहती हैं, ठीक है, और जिनको वोट देने का अधिकार है, लेकिन उनकी डेली लाइफ और डेली वर्किंग कंडीशन फार फ्रॉम इक्वल हैं, जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, कि इक्वल वर्किंग कंडीशन या जो कांता की जो मेम साहब हैं, ठीक है, या जो मैडम है ये जैन मैडम जो हैं, ठीक है, इनका काम कुछ और होगा शायद, ये हाउ मतलब कि कहीं अच्छे से ऑफिस में ढंग से, मतलब कि ना अपने टेबल चेयर पे, और है ना अपना कंपनी में किसी में काम करती होंगी, उनका जो साफ़ सफाई, उनका जो काम करने का जो एरिया होगा उसके आसपास में साफ़ सफाई होगी, ठीक है, तो मतलब कि इसकी मैडम की जो वर्किंग कंडीशन होगी या जैन साहब की जो वर्किंग कंडीशन है वो कांता की वर्किंग कंडीशन से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग, ठीक है, मतलब कि ऑपोजिट है, प्लस माइनस जितना इतना बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। ऑपोजिट कैसे हैं, क्योंकि कांता कभी छुट्टी नहीं ले सकती, लेकिन हो सकता है जैन साहब जो है वो छुट्टी ले सकते हो, ठीक है, और बल्कि उन दिन पर भी उनको पूरी सैलरी मिलती हो, ठीक है, अगर वो सरकारी नौकरी करते हो ऐसा, ठीक है, या फिर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हो, तो उनकी उनका जो कंडीशन होगी ना, वर्किंग कंडीशन, वो फार फार बेटर होंगी कांता से, ठीक है। तो ये बात बेसिकली हमें बता रखी है। तो गरीब होने के साथ साथ, ठीक है, भारत में जो लोग हैं वो इनइक्वालिटी और कई तरीकों से एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, मतलब उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दो स्टोरीज दे रखी हैं नीचे, तो उन कहानियों के बेस पे, और जो कहानियाँ ये रियल इंसिडेंट हुए हैं लोगों की लाइफ में, ठीक है, तो उसके बेस पे ये जो कहानियाँ हमें नीचे दे रखी हैं, और ये बताती हैं हमें अलग अलग प्रकार की इनइक्वालिटी, ठीक है, जो लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो इनइक्वालिटी है जो लोगों को देखने को मिलती है वो है कास्ट सिस्टम, ठीक है। अब कास्ट सिस्टम का मतलब देखो, यहाँ पे जो स्टोरी के माध्यम से ही बताऊंगा मैं आपको, कि अगर आप किसी गरीब देश में, मतलब सॉरी गरीब भारत में रह रहे हो, यानी रूरल एरिया में रह रहे हो भारत के, ठीक है, तो आपकी कास्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आप बचपन से ही जो है आपको इस बात की जो है मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है। जैसे कि अब डॉक्टर अंबेडकर के लाइफ में जो है, अगर आपने सुना हो कि वो महार कास्ट से बिलोंग करते थे, तो कैसे उनको एक बार जो है रेलवे स्टेशन पे डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ा था, तो मतलब इतनी छोटी एज में उनको एक्सपीरियंस हो गया था कि हाँ मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, अगर आप गरीब इलाके में रहते हो, अर्बन इलाके में शायद इतना ना होता हो, लेकिन गरीब इलाकों में जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कास्ट का जो सिस्टम है, ये कास्ट आइडेंटिटी जो है वो बहुत मैटर करती है ये गरीब इलाकों में भारत के, ठीक है। तो अगर आप अर्बन इंडिया में रहते हो, ठीक है, तो आपको लगेगा कि जो लोग हैं वो प्रॉब्ली कास्ट सिस्टम में बिलोंग मतलब कि बिलीव नहीं करते, ठीक है, मतलब कि उनको कास्ट जो है मतलब ज़्यादा मैटर नहीं करती उनके लिए। लेकिन अगर आपने कभी मैट्रिमोनियल साइट्स खोली हो, या अगर मैट्रिमोनियल जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो ये एड्स आती हैं अखबार के अंदर, उनको देखा हो, जैसे यहाँ दे रखा है, ठीक है, तमिल ब्राह्मण, समझ रहे हो, मतलब कि तमिल होना चाहिए, ब्राह्मण तो है लेकिन तमिल भी होना चाहिए और ब्राह्मण होना चाहिए, समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि ये जो ना
कास्ट का जो सिस्टम है, ठीक है, ये शायद अर्बन एरिया में आपको ऊपर से शो ना हो, लेकिन जब आप जो है में कभी मैरिज के उस पे गए हो या फिर कभी ऐसा कोई पॉइंट आया हो, ठीक है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फेज आया हो आपकी लाइफ में, ठीक है, तो वहाँ पर जो है थोड़ा बहुत आपको जो है पता चल जाता है, जब डिसाइडिंग मोमेंट आता है कि भाई जैसे कि किसको एडमिशन देना है स्कूल में, ठीक है, या फिर जो है किसको रेंट पे देना है मकान, ठीक है, सब ऐसे कोई मूवमेंट्स आते हैं तब आपको पता चलता है, तब आपको फील होता है, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में कि कास्ट सिस्टम यहाँ पर भी प्रिवेल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैट्रिमोनियल साइट्स का, और ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपको दिख जाएगा आपको कोई भी आप जीवन साथी ये मैट्रिमोनियल साइट जो है जैसे इंटरनेट पे आप खोल के देख लेना, वहाँ पे आपको जो है ना पूरा डिटेल जैसे मतलब कि दिया गया होगा ना डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई लोग जो है ना कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा डीपली इंग्रेंड हो चुके हैं, मतलब कि उसमें जो है ना उनको निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब वहाँ से, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है, उसकी एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, और ये बताती हैं कि जो हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियन जो है ना, ठीक है, हाईली एजुकेटेड जिनको बोलते हैं हम, ठीक है, PhD कर रखी है, MTech कर रखी है, ठीक है, सरकारी मतलब अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी पे वो हैं, लेकिन उनके अगर बैक ऑफ द माइंड कास्ट सिस्टम जो है अब तक प्रिवेल करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और स्टोरी देखते हैं, मतलब कि दलित चाइल्ड की, ठीक है, ये स्टोरी नहीं थी एक्चुअली, थोड़ा सा पैराग्राफ रखा था, ये स्टोरी अब देखते हैं हम, स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो एक दलित चाइल्ड जो है, ठीक है, उसके बारे में एक स्टोरी है। तो दलित के बारे में जो है, दलित लोगों के बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ लिया था, तो यहाँ पर जो है दलित का बेसिकली थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ। दलित जो टर्म है, ठीक है, वो किसको डिनोट करती है, वो लोअर कास्ट लोग जो हैं, ठीक है, SC ST जो होते हैं, ठीक है, मतलब उनको डिनोट करने के लिए जो है दलित टर्म यूज़ करी जाती है, ठीक है, उनके द्वारा। और वो दलित का मतलब होता है ब्रोकन, और वो इस टर्म को यूज़ क्यों करते हैं, वो इस टर्म को यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे जो है, ठीक है, हिस्ट्री ने कैसे उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया है, ठीक है, और करते आ रही है अब तक, कैसे वो जो है टूट चुके हैं, ठीक है, मतलब जो है इमोशनली आप देख लो उनको, ठीक है, मेंटली देख लो, ठीक है, फिजिकली जो उनको तोड़ दिया गया है हिस्ट्री में, ठीक है, ओवर द मतलब कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है कैसा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, ठीक है। तो दलित का मतलब होता है ब्रोकन, ठीक है, और वो किसको डिनोट करने के लिए यूज़ करा जाता है, वो करा जाता है लोअर कास्ट यानी SC और ST जो होते हैं, ठीक है, ये शेड्यूल्ड कास्ट तो हम अब बोलते हैं उनको, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लेकिन जो है दलित जो लोग होते हैं वो अपने आप को जो है मतलब दलित बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब दलित टर्म यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने। स्टोरी देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो एक व्यक्ति थे, ठीक है, वो एक फेमस राइटर थे, दलित राइटर थे, ठीक है, दलित कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में झूठन में, ठीक है, झूठन यहाँ पे दिखा रखा है, देखो ये जो है ना ये कवर मतलब कवर पेज है उनकी बुक का जो हिंदी में लिखी गई थी, ठीक है, तो ये तो ट्रांसलेटेड वर्जन है, लेकिन मतलब कि उनकी जो कवर पिक है ना, उनकी जो बुक है उसके कवर पिक ये है झूठन, ठीक है, अ दलित्स लाइफ, ठीक है, बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो एक दलित राइटर थे, फेमस दलित राइटर, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी झूठन में लिखा है कि कैसे उन्हें जो है दूसरे लोगों से क्लास में दूर बैठना पड़ता था और ज़मीन पे बैठना पड़ता था, मतलब कि जहाँ वो बैठते थे वहाँ तक तो मैट भी नहीं आता था, मैट भी खत्म हो चुका होता था वहाँ तक तो उससे पहले, ठीक है, सबसे पीछे उन्हें बैठना पड़ता था और कई बार जो है उनके दरवाजे के पास बैठना पड़ता था और बहुत बार जो है उनकी पिटाई भी होती थी बिना किसी रीज़न के, ठीक है, या तो मतलब कि बच्चे हों या फिर कोई जो वहाँ पे टीचर थे, ठीक है, मतलब उन्हें बिना बात जो है मारा करते थे बहुत बार। तो जब वो क्लास 4 में थे, ठीक है, तो ओम प्रकाश के जो वो हैं मतलब कि हेडमास्टर या टीचर बोल लो आप, तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि ओम प्रकाश तुम एक काम करो, तुम जो है झाड़ू मारो पूरे स्कूल में और प्लेग्राउंड को भी साफ़ करो। तो जो प्लेग्राउंड है, ठीक है, वो उनके साइज से मतलब इतने छोटे बच्चे से आप साफ़ सफाई करने के लिए बोल रहे हो पूरे प्लेग्राउंड की, ठीक है, तो मतलब उसको साफ़ सफाई करते करते ओम प्रकाश की बैक दर्द करने लग गई, उसका जो पूरा मुंह है उनका वो पूरा धूल से ढक गया, ठीक है, उनके मुंह में भी मतलब कि मिट्टी चली गई। और दूसरे जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो पढ़ रहे थे क्लास में बैठे बैठे, और ओम प्रकाश जो थे वो क्या कर रहे थे, वो झाड़ू मार रहे थे, ठीक है, पूरे स्कूल में और प्लेग्राउंड में, ठीक है। तो हेडमास्टर जो है वो रूम में बैठे बैठे देख रहे थे ओम प्रकाश को, और इतना मतलब कि क्रुएलिटी उनके साथ हुई है कि उन्हें पानी भी नहीं पीने दिया गया, मतलब उनको एक बूंद पानी की पीना भी अलाउड नहीं था, ठीक है। तो ऐसे करते करते उन्होंने पूरा दिन जो है मतलब झाड़ू मारा, दरवाजे खिड़कियां सब कुछ उन्हें साफ करना पड़ा, और जो टीचर जो थे, ठीक है, और जो स्टूडेंट थे वो बस जो है ना बैठे बैठे आराम से जो है ओम प्रकाश को देख रहे थे, ठीक है।
तो ऐसे करते करते जो है कुछ दिन निकल गए, साफ सफाई करते करते ऐसे उन्हें रोज झाड़ू मारनी पड़ी। और फिर एक दिन जो है ओम प्रकाश के पिता जो है उन्होंने जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने ओम प्रकाश को देखा और जो है फिर वो टीचर के पास गए ओम प्रकाश को लेके, और उन्होंने बोला कि आप टीचर हो ठीक है, इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो बेटा है ओम प्रकाश वो यहीं पर पढ़ेगा, ठीक है, इसी स्कूल में पढ़ेगा, और इसके साथ ये अकेला नहीं, इस जैसे और भी बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि उन्हें बहुत गुस्सा आया, ठीक है, उन्हें बहुत दर्द फील हुआ ओम प्रकाश के पिता को, ठीक है, और ओम प्रकाश को भी बहुत पेन फील हुआ, उनको मतलब कि जो उनकी जो डिग्निटी है कैसे वो लॉस्ट हो गई, ठीक है, मतलब कि उनका जो आत्मसम्मान है उसको हर्ट हुआ। तो ये बात जो है ना बेसिकली मतलब स्टोरी से हमें पता चलती है कि कैसे जो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट होता है जब आपको जो है ऐसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है, आपके जो साथ वाले हैं वो पढ़ रहे हैं लेकिन आप झाड़ू मार रहे हो, किस वजह से, कि क्योंकि बस आप जो है एक दूसरी कास्ट में पैदा हुए हो, मतलब कास्ट भी क्या क्या मतलब कि कास्ट कि आपके अंदर वही खून है, वही दो हाथ हैं, वही दो पैर भगवान ने दिए हैं, वही दो आँखें हैं, ठीक है। तो मतलब ये ना बेसिकली एक जो है ये आप इस कास्ट में मतलब कि जन्म हुआ है, ठीक है, तो आप जो आपके साथ में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। तो ऐसी जो क्रुएलिटी हमें हिस्ट्री में, ठीक है, देखने को भर भर के मिलेगी, ठीक है, भर भर के मतलब बहुत सारे इंस्टेंस हैं, ये तो बस एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, कि बी आर अम्बेडकर का एक और एग्जाम्पल है जो अच्छा मैंने आपको बता दिया है थोड़ी देर पहले कि जो कैसे उनको रेलवे स्टेशन पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई थी, कि कोई भी जो है बैलगाड़ी वाला उनको बिठाने के लिए तैयार नहीं था, बिठाने को भी तैयार नहीं था जबकि वो पैसे भी दे रहे थे कि भाई हम जो है आपका किराया दे देंगे आप हमें ले चलो, लेकिन कोई भी जो व्यक्ति है जब उनको पता चला कि ये जो बच्चे हैं महार कास्ट से बिलोंग करते हैं, यानी जो दलित कास्ट है या लोअर कास्ट है, तो उससे जब वो बिलोंग करते हैं तो हम उन्हें बिठाएंगे नहीं। यार लोअर और अपर बेसिकली क्या होता है, कुछ लोअर नहीं होता और कोई अपर नहीं होता, भगवान की आंखों के आगे जो है सारे व्यक्ति सारे जो इंसान हैं वो बराबर हैं, ठीक है, सारे जो जीव जंतु हैं वो बराबर हैं, कोई लोअर नहीं होता, कोई अपर नहीं होता, ठीक है। इस बात को जितना जल्दी जो है ह्यूमन बीइंग यानी हम जो है समझ जाएं, उतना ही हमारे लिए और हमारी आगे की आने जनरेशन जो है उनके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, चलो बात करते हैं दूसरी स्टोरी की, कि कैसे जो है मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन हमें एक और इंस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो दूसरी स्टोरी में क्या होता है कि दो व्यक्ति हैं, मतलब कि मिस्टर और मिसेज अंसारी हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, वो क्या है कि एक रेंट मतलब कि एक अपार्टमेंट देखने गए हैं सिटी में, ठीक है, रेंट के लिए, मतलब कि उनको जो है किराए पर रहने गए हैं वो। और क्या होता है कि जैसे जो है मतलब वो देखने जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, तो हर एक जगह पर, ठीक है, उन्हें मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नॉट कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, क्योंकि वो मुस्लिम है, ठीक है, और कैसे होता है इसको देखते हैं, ठीक है। तो मिस्टर मिसेज अंसारी जो है वो मकान देखने गए हैं रेंट पे शहर में, ठीक है, उनके पास पैसा भी है, ठीक है, और वो रेंट को पे करने के लिए तैयार भी हैं, कोई उन्होंने दिक्कत नहीं है। तो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, ठीक है, उनसे मदद मांगते हैं कि भाई हमें कोई मतलब कि जगह ढूंढवाओ, ठीक है, कोई अपार्टमेंट दिखवाओ, ठीक है, हमें रहना है रेंट पे। तो डीलर जो है उन्हें बताता है कि ठीक है, लेकिन उसे जो है थोड़ी अपार्टमेंट पता है जो रेंट पे अवेलेबल हैं, ठीक है, मतलब कि रेंट के लिए अवेलेबल है, मतलब वो आप वहाँ पे जा सकते हो, रह सकते हो। तो जो है पहले अपार्टमेंट में वो जब जाते हैं, ठीक है, तो मिस्टर अंसारी को काफ़ी अच्छा लगता है और वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है हम ये ले लेते हैं। लेकिन जो लैंड लेडी है यानी जो मालकिन है उस अपार्टमेंट की, जब उसे पता चलता है कि ये जो है अंसारी, इनका जो सरनेम है वो अंसारी है, ठीक है, यानी जो दोनों लोग हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उस जो मालकिन जो है लैंड लेडी जो है वो एक्सक्यूज़ बना देती है कि ये जो घर है बेसिकली हम इसको रेंट पे नहीं देना चाहते, ठीक है, क्योंकि मतलब यहाँ पे जो है मीट खाना अलाउड नहीं है पूरी बिल्डिंग में, और यहाँ पर जो है नॉन वेजिटेरियन कोई भी नहीं है पूरी बिल्डिंग में। कहने का मतलब ये है कि जबकि मिस्टर मिसेज अंसारी को जो है यहाँ पे मछली के कुक होने की स्मेल भी आ रही थी, ठीक है, पड़ोसियों के घर में, लेकिन फिर भी जो है इस रीज़न को मतलब कि ना एक एक्सक्यूज़ को देके उन्हें मना कर दिया गया कि भाई हम आपको जो है मकान नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो सेम एक्सक्यूज़ जो है बार बार रिपीट होता गया 35 दूसरे अपार्टमेंट तीसरे अपार्टमेंट में, ऐसे करते करते जो है प्रॉपर्टी डीलर ने भी कह दिया कि देखो जी आप एक काम करो, आप जो है ना अपना सरनेम चेंज करके जो है ना आप मिस्टर और मिसेस कुमार बोला करो, ठीक है, अगर आप सही अगर आप अपना मिस्टर अंसारी बोलोगे तो मतलब कि कोई भी आपको रेंट पे मकान नहीं देगा, ठीक है। तो जो ये दो दोनों थे मिस्टर मिसेज अंसारी, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, और मतलब कि वो देखते गए मकान, और फिर आखिरी में जो है महीने के आखिरी में उन्हें जो है एक अपार्टमेंट मिल गया जहाँ पे लैंड लेडी जो है उन्हें रेंट पे मकान देने को तैयार हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिग्निटी की बात आ जाती है, ठीक है, कि
कि कैसे जो है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे, इसीलिए उन्हें वो मकान नहीं दिया गया रेंट पे, और वो भी अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया में भी मतलब लोगों की मेंटालिटी है ऐसी, ठीक है, दे हैव इट एट द बैक ऑफ द माइंड कि भाई जो है ना रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, ये जो चीज़ें अब भी हैं लोगों के दिमाग में, ठीक है। लेकिन बस वो जो है अर्बन एरिया में आपको जो है ना कि ओपनली मतलब कि ऐसे बात नहीं करी जाती उनके बारे में, लेकिन जब भी कोई ऐसा मूवमेंट आता है, ठीक है, तो आपको दिख जाती है वो चीज़। तो इसके बाद में जो है अब ये हमें डिग्निटी की यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि डिग्निटी जो है वो क्या होती है। अब तक जो है आप समझ गए होगे, ये जो कास्ट है जिसमें हम बॉर्न हुए हैं, जिसमें हम पैदा हुए हैं, जो हमारा धर्म है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं, जो क्लास हमारी जो बैकग्राउंड जो है, ठीक है, जहाँ से हम आए हैं, ठीक है, हमारा जो क्लास बैकग्राउंड है, हम मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं बहुत मैटर करती हैं जी, मतलब किस लिए मैटर करती हैं, ये चीज़ें ही डिसाइड करती हैं कि कैसे है दूसरे लोग जो हैं हमें ट्रीट करेंगे, क्या वो हमें इक्वली ट्रीट करेंगे या फिर क्या वो हमें अनइक्वली ट्रीट करेंगे, ये चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं उसमें, ठीक है। आपकी कास्ट, आप कौन से कास्ट में बॉर्न हुए हो, मतलब आपका रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस करते हो, कौन सी क्लास बैकग्राउंड है आपका, हायर क्लास से हो, अपर क्लास से हो, या मिडिल क्लास से हो, या लोअर क्लास से हो, ठीक है, उसके बाद में जो है मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर अंसारी का जो केस था, ठीक है, उसमें हमें मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। कास्ट वाला बेसिस हमने देख लिया ओम प्रकाश वाल्मीकि केस में, और रिलीजन वाला जो है हमें देख लिया अंसारी के केस में, ठीक है। अब जब लोग जो हैं अनइक्वली ट्रीट उन्हें करा जाता है तो क्या होता है, उनकी जो डिग्निटी है वो वायलेट होती है, यानी उनकी जो डिग्निटी है वो हर्ट होती है, उनकी जो आत्मसम्मान है वो हर्ट होता है, ठीक है। तो ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इन ऊपर वाली जो स्टोरीज़ हैं, ठीक है, उसमें जो है उन दोनों की, वाल्मीकि की भी, ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की, दोनों की जो है डिग्निटी हर्ट हुई है, वायलेट हुई है, ठीक है। कैसे, कि जिस तरह से उन्हें ट्रीट करा गया, जिस तरह से जो है उन्हें मना कर दिया गया, ठीक है, मकान देने के लिए, जिस तरह से उन्हें एजुकेशन लेने के लिए मना कर दिया गया कि आप साफ़ सफाई करो, झाड़ू मारो, ठीक है। तो ये जो चीज़ हैं, ठीक है, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये डिग्निटी को जो है मतलब कि हर्ट करती हैं, ठीक है। तो डिग्निटी जब हर्ट होती है, आपका जो आत्मसम्मान हर्ट होता है, ठीक है, तो आपको जो है अनइक्वल फील, मतलब अनइक्वल इनइक्वालिटी का बेसिकली एग्जांपल है ये, समझ रहे हो आप। इनइक्वालिटी जब भी आपको फेस करने को मिलेगी तो आपकी डिग्निटी हर्ट होगी, ठीक है, कॉमन सी बात है ये, ठीक है, कनेक्टेड है ये चीज़, ठीक है। तो यही यहाँ पर जो है बता रखा है, बेसिकली एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। उनकी डिग्निटी हर्ट हुई जैसे जो है उनके साथ में ट्रीटमेंट करा गया, ठीक है, जैसे जो है उसे ओम प्रकाश वाल्मीकि से साफ सफाई, झाड़ू पोछा मरवाया गया, ठीक है, और अंसारी जो लोग थे, जो थे ये दोनों, इनको जो है मकान नहीं दिया गया किराए पे, तो बेसिकली उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी जो है वो बेसिकली हर्ट हुई है, ठीक है। तो यही जो है यहाँ पर बता रखा है, जो ओम प्रकाश और जो ये अंसारी जो थे, ठीक है, ये डिजर्व नहीं करते थे ऐसा इनके साथ बर्ताव किया जाए, लेकिन इनके साथ ऐसा किया गया, ठीक है। ये जो दोनों हैं ये भी उतनी ही रिस्पेक्ट मतलब डिजर्व करते हैं, उतनी ही डिग्निटी डिजर्व करते हैं जो कि और लोग करते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि इन दोनों स्टोरी के माध्यम से यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि कैसे जो है रिलीजन और कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन अब भी, अनइक्वालिटी अब भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलती है, चाहे वो गरीब इलाका हो चाहे वो अमीर इलाका हो, दोनों ही जगह पर आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को आराम से मिल जाएगी, ठीक है, बस वो मूवमेंट आ जाए उसी की देर है, ठीक है। इसके बाद में अब इक्वालिटी की बात करते हैं इंडियन डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हर एक व्यक्ति को रिकॉग्नाइज करता है इक्वल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी व्यक्ति को इक्वल बताता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि हर एक इंडिविजुअल जो है हमारे देश में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो कौन से भी कास्ट, रिलीजन, ट्राइब या एजुकेशनल बैकग्राउंड या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, सभी जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनइक्वालिटी जो है एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, एग्जिस्ट अब भी इनइक्वालिटी करती है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि जो ये इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, ठीक है, वो अब भी रिकॉग्नाइज मतलब कि फुली नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब कि एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन वो मतलब रियलिटी में रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो रिकॉग्नाइज करता है उसको, ठीक है, लेकिन वो रियलिटी में लोगों के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, ठीक है। जिस दिन लोग रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे उसको, उस दिन इनइक्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि अर्लियर, जैसे कि पहले की अगर हम बात करें, जब मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था उससे पहले की अगर जैसे बात करें, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी, ऐसा कोई लॉ नहीं था जो लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है।
डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है लोगों को मतलब कि एक प्रोटेक्शन दे सके, ऐसा कोई लॉ नहीं था। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जो है इल ट्रीट किया जाता था, मतलब उसके साथ में गंदा व्यवहार बर्ताव किया जाता था, और वो जो है कहीं पर भी मदद नहीं मांग सकता था। उस चीज़ के लिए जो है कोई कानून नहीं था। ठीक है, उस डिस्क्रिमिनेशन को फेस करने के लिए जो है मतलब कि कोई कानून नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, अब जब हम देखते हैं तो काफ़ी कुछ काम हो चुका है इसके ऊपर, और लोग जो हैं, ठीक है, उन्हें डिग्निटी से और जो है उन्हें इक्वल ट्रीट करा जाता है। लेकिन ये जो चीज़ है अब भी मतलब कि बहुत बाकी है। ठीक है, फुली रिकॉग्नाइज होना इसका, ठीक है, जो हर एक व्यक्ति को डिग्निटी के साथ में और इक्वालिटी के साथ में ट्रीट करा जाए, ये चीज़ जो है अब भी फुली लागू होना इसका मतलब लाइक इन द हार्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, अब भी मतलब कि वो चीज़ बाकी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो रिकॉग्नाइज हो चुकी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत पहले रिकॉग्नाइज हो चुकी थी, डेकेड्स पहले रिकॉग्नाइज हो चुकी थी, लेकिन अभी दिलों में जो है लोगों की वो चीज़ रिकॉग्नाइज होनी बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पार्लियामेंट की फोटो दे रखी है, ये पार्लियामेंट की इमेज है। ठीक है, ये जो है मतलब कि पार्लियामेंट को दर्शा रखा है इस इमेज में। ठीक है, पार्लियामेंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर डेमोक्रेसी। ठीक है, और वहाँ पर जो है हमें रिप्रेजेंट कौन करते हैं, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, ये बात आपको आई होप कि पता होगी। ठीक है, अब इसके बाद में जो है यहाँ पे बात करते हैं कि जो इक्वालिटी है। ठीक है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि इक्वालिटी के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो ये उनके उस चीज़ वो तीन चार जैसे पॉइंट है, मेन पॉइंट, ठीक है, जिसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ेंगे। पहला पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात रिकॉग्नाइज करी गई है कि एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चाहे वो राष्ट्रपति हो, ठीक है, चाहे वो कोई डोमेस्टिक वर्कर हो कांता जैसा, सभी को जो है सेम लॉज ओबे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए दूसरे लॉज हैं और डोमेस्टिक वर्कर के लिए दूसरे लॉज हैं, ऐसा नहीं, सभी के लिए वही लॉज हैं और सभी को वही लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी से रिलेटेड, दूसरा ये बता रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो है डिस्क्रिमिनेट मतलब कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जा सकता किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स। ठीक है, फीमेल या मेल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, समझ रहे हो। तो मतलब कहने का ये है कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जा सकती ऑन द बेसिस ऑफ उसका धर्म, उसका रेस, उसका कास्ट, ठीक है, ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ कि कहाँ वो पैदा हुआ है, और या फिर वो मेल है या फीमेल है, इन बेसिस पे आप किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ इन द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है ये बेसिकली, समझ रहे हो आप। तीसरा पॉइंट क्या है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है रिगार्डिंग इक्वालिटी, वो लिखा गया है कि हर जो व्यक्ति है उसको पूरा अधिकार है पब्लिक प्लेसेस को जो है एक्सेस करने का। यानी पब्लिक प्लेस कौन से, जैसे प्लेग्राउंड हो गया, पार्क हो गया, गार्डन हो गया जैसे ये, ठीक है, होटल, शॉप्स, मार्केट्स, ठीक है, तो सारे जो पब्लिक प्लेस हैं, पब्लिक प्लेस यानी जो गवर्नमेंट के द्वारा फुली कंट्रोल्ड हैं या पार्शियली कंट्रोल्ड हैं, वहाँ पे जो है सभी व्यक्ति को मतलब कि जाने का, उनको एक्सेस करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, यानी प्लेग्राउंड हो गए, होटल, शॉप्स, मार्केट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, सभी लोग जो हैं उनको पब्लिकली अवेलेबल मतलब कि फैसिलिटीज़ जैसे कि वेल्स, रोड्स, बेदिंग घाट्स, ठीक है, उनको एक्सेस करने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, पब्लिकली मतलब पब्लिकली ऐसी मतलब उसका मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा फुली कंट्रोल्ड हो या फिर पार्शियली कंट्रोल्ड हो। ठीक है, तो ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी जो अम्यूनिटीज़ हैं, ठीक है, जो कुएं हो गए, रोड हो गए, बेदिंग घाट हो गए, जहाँ पे स्नान कर सकते हो आप, ऐसे जहाँ पर जो है सभी लोगों को जाने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, चौथा क्या है कि अनटचेबिलिटी जो है वो अबॉलिश हो चुकी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक जो है आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। ठीक है, लीगली अबॉलिश्ड, जो है लॉ के द्वारा अबॉलिश कर दिया गया है उसको, अनटचेबिलिटी जो है अब एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, समझ रहे हो आप, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बेसिकली दो तरीके हैं जिनके द्वारा जो है गवर्नमेंट क्या करती है, वो गारंटी करती है आपको इक्वालिटी। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। ठीक है, पहला कैसे, लॉ बनाकर, कि गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में जो है आपको लॉज मिलते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट जैसे कि लॉज बनते हैं पूरे देश के लिए, तो उन लॉज के माध्यम से जो है गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी गारंटी करी गई है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, वो मतलब कि ग्राउंड ज़ीरो उस पे जो है इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, तो ये कैसे करती है गवर्नमेंट, लॉज लाकर करती है, कानून लाकर करती है। दूसरा क्या, गवर्नमेंट जो है कई अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम या स्कीम लाती है, योजनाएं लाती है, किसके लिए, डिसएडवांटेज कम्युनिटी के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए बेसिकली वो प्रोग्राम्स लेके आती है, स्कीम्स लेके आती है। ठीक है, और उन स्कीम के द्वारा ही
ठीक है, जो है मतलब कि उन गरीब लोगों को एक उनके मतलब इको लेवल पर लाने की कोशिश करी जाती है। ठीक है, अब कई सारे लॉज हैं इंडिया में, ठीक है, ऑलरेडी जो प्रोटेक्ट करते हैं एक व्यक्ति के इक्वल ट्रीटमेंट को, यानी एक व्यक्ति जो है उसे इक्वली ट्रीट करा जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी कई सारे लॉज जो है वो ला चुकी है। ठीक है, और इसके साथ में गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स भी ला चुकी है। ठीक है, किसके लिए? गरीब लोगों के लिए, उनकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, उन्हें जो है अनइक्वली ट्रीट ना करा जाए। ठीक है, इसके लिए जो है गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आई है, ऑलरेडी हम लेके आ चुके और मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट लेके आ चुकी है। ठीक है, तो इस इनके माध्यम से क्या होता है, इन दोनों चीज़ों के माध्यम से क्या होता है, लॉज और ये स्कीम्स के माध्यम से क्या होता है, गवर्नमेंट जो है इंश्योर कर रही है कि जो गरीब लोग हैं, जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, उन्हें ग्रेटर अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, जो कि उन्हें पास्ट में नहीं मिल पाई। ठीक है, उन्हें जो है पूरा अधिकार मिले उनका, जो उन्हें पास्ट में नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट बेसिकली ये जो दो काम है ये करती है। ठीक है, लॉज लेके आती है और अलग अलग प्रकार की जो है स्कीम्स लेके आती है, योजनाएं लेके आती है, इसके बारे में हम अभी यहाँ पे बात करें भी के। ठीक है, जैसे यहाँ पर मिड डे मील स्कीम के बारे में बात कर रखी है उत्तराखंड में, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में, तो ये बेसिकली एक स्कीम है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी बता रहा था कि जो लोग गरीब या गरीब फैमिली से या डिसएडवांटेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिनके लिए गवर्नमेंट अलग स्कीम लेके आती है, तो उसी का एक पार्ट है ये मिड डे मील स्कीम। ठीक है, वन ऑफ द स्कीम, समझ रहे हो? तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे कि जो मिड डे मील स्कीम है वो क्या है, वो एक गवर्नमेंट का स्टेप है। वो क्या इंश्योर करता है? वो ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में, ठीक है, क्या होना चाहिए, सभी बच्चों को लंच मिलना चाहिए पका पकाया। ठीक है, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाली पहली स्टेट जो थी वो थी तमिलनाडु, जिसने 2001 में, ठीक है, 2001 में नहीं, 2001 में तो चलो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, लेकिन इस चीज़ को पहले इम्प्लीमेंट करने वाली जो स्टेट थी वो थी तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद में 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी स्टेट गवर्नमेंट को कि भाई इस चीज़ को जो है आप भी अपने स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में इम्प्लीमेंट करोगे 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो गरीब बच्चे होते हैं, ठीक है, मतलब इस स्कीम की वजह से हुआ क्या कि जो गरीब बच्चे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल होने लग गए स्कूल में, उनकी जो अटेंडेंस है वो बढ़ गई। ठीक है, टीचर ने बताया कि जो बच्चे, ठीक है, ऑफन जो है घर जाते थे, मतलब आमतौर पर वो घर जाते थे लंच करने के लिए और वो वापस नहीं आते थे, लेकिन अब जो है मिड डे मील स्कीम के द्वारा जो है उन्हें जो स्कूल में लंच प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है, तो उनकी अटेंडेंस बहुत इम्प्रूव हो गई है। ठीक है, और जो माएँ जो अपने बच्चों को खाना देने के लिए अपना काम इंटरप्ट करती थी, यानी अपने काम को जो है उन्हें छोड़ के आना पड़ता था ताकि वो अपने बच्चों को भोजन दे सके, दोपहर का जो है खाना दे सके, ठीक है, घर पे आकर, तो उन्हें जो है अब अपने काम को नहीं छोड़ना पड़ता और वो कंटिन्यू जो है अपने काम को कर सकती हैं, उन्हें घर पे नहीं आना पड़ता। ठीक है, तो मतलब कहने का ये कि कितने फ़ायदा है इस स्कीम का। ठीक है, इस प्रोग्राम ने बेसिकली जो है कास्ट प्रिजुडिस, जो कास्ट प्रिजुडिस मतलब कि भाई इस कास्ट के बंदे जो है दूर बैठ के खाएंगे, ठीक है, जो ये कास्ट है ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, और लोअर कास्ट का बंदा कुक नहीं कर सकता, खाना नहीं बना सकता, उसके साथ बैठ के आपको खाना नहीं खाना, एक थाली में खाना नहीं खा सकते, तो ऐसी जो चीज़ें ना कास्ट प्रिजुडिस बोलते हैं कि मतलब कास्ट से रिलेटेड आपके दिमाग में एक ऐसी जो है नेगेटिव एक काइंड ऑफ ना पर्सपेक्टिव सेट हो गया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कास्ट प्रिजुडिस। तो ये जो कास्ट प्रिजुडिस हैं इसको रिड्यूस करने में बहुत मदद हुई है, क्योंकि जो हर एक कास्ट के जो बच्चे थे, ठीक है, वो एक साथ में स्कूल में बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है, और इसके साथ में ऐसे मतलब कि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर ऐसे कुछ स्कूल्स हैं, ठीक है, जहाँ पर मिड डे मील ये अप्लाई करा गया है कि वहाँ पर दलित वुमेन को एम्प्लॉय करा गया है मील को कुक करने के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए दलित कम्युनिटी की जो वुमेन है, ठीक है, उन मतलब कि महिलाओं को एम्प्लॉय करा गया है। ठीक है, तो इस वजह से जो है इस मतलब कि इस तरीके से कास्ट प्रिजुडिस जो है वो बिल्कुल ही मतलब धीरे धीरे मतलब कि हटता जाएगा। ठीक है, इससे मतलब कि इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और मिल भी रही है। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम जो बेसिकली है ये मतलब कि हंगर को रिड्यूस करता है, गरीब बच्चों के भूख को मिटाता है। ठीक है, जो आराम से जो है स्कूल में आ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और अब उन्हें जो है अपने खाली पेट की तरफ उनका जो है ध्यान नहीं जाएगा, मतलब वो पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है मिड डे मील स्कीम की वो है मतलब फ़ायदा है। ठीक है, तो हमने अब तक देखा है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इक्वालिटी को बढ़ाने में, हम ये देख चुके हैं, लेकिन अब भी बहुत सा काम होना बाकी है। ठीक है,
मान लिया कि जब मिड डे मील प्रोग्राम जो है वो इंक्रीज करता है अटेंडेंस को गरीब बच्चों की, ठीक है, वो आराम से स्कूल में पढ़ सकते हैं और उनका जो ध्यान है वो अपने खाली पेट की तरफ नहीं भटकेगा क्योंकि उन्हें जो है पका पकाया खाना दोपहर को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अब भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमें डिफ्रेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, देश में जो है कि जो अमीर बच्चे जो हैं वो दूसरा स्कूल अटेंड करते हैं, ठीक है, और उनके स्कूल में जो है अलग फैसिलिटीज़ हैं लेकिन गरीब बच्चों के स्कूल में जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो डिफरेंसेस हैं बेसिकली, ठीक है, अमीर बच्चों के स्कूल में और गरीब बच्चों के स्कूल में हमें अब भी देखने को मिलेंगे देश में, ठीक है। तो अब आज के दिन भी जो है ऐसे कई सारे स्कूल हैं जहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे बच्चे जो हैं दलित बच्चे जो हैं उनके मतलब कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मतलब उनको जो है उनका राइट नहीं दिया जाता, उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं करा जाता, ठीक है। तो ये बच्चे जो हैं इन्हें अनइक्वल सिचुएशन में फोर्स करा जाता है जिनकी वजह से इनकी जो डिग्निटी है वो हर्ट होती है, ठीक है, इनका जो आत्मसम्मान है वो हर्ट होता है। और इवन दो इतना कुछ हो रहा है लेकिन फिर भी जो है लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं इन बातों को सोचने से, ठीक है, इनकी तरफ ध्यान देने से, जबकि ये चीज़ें लॉ में लिखी गई हैं, ठीक है, तब भी जो है लोग इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देते जैसे कि कोई लॉ है ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें अब भी जो है हमें आज भी देखने को मिलती हैं। ये हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं इनको, ठीक है। सो ही वॉज दी चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, हमारे जो संविधान जब लिखा गया था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो इन्होंने जो है बहुत मतलब कि इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, दैट इज़ मतलब कि कमेंडेबल, ठीक है, इनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस डिस्क्रिमिनेशन को जो है हटाने में, ठीक है, इसके अगेंस्ट में फाइट करने में। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये बेसिकली इतना धीरे धीरे जो है चेंज क्यों हो रहा है, मतलब इतनी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हमें क्यों देखने को मिल रही है, वो इसीलिए क्योंकि एटीट्यूड जो है, ठीक है, वो बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, ठीक है। हमें इम्प्रूवमेंट तो मिल रही है, हमें इक्वालिटी देखने को तो मिल रही है अब कि हाँ जो लोग अनइक्वालिटी को फेस करते थे अब वहाँ पर हमें इक्वालिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। हम लोगों को उसी स्तर पे जो है लेके आ रहे हैं, गरीब लोगों को, उन लोगों को जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन अब भी जो है ये इम्प्रूवमेंट मतलब कि इतने फास्ट पेस पर नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि जो एटीट्यूड होता है आदमी का, ठीक है, जो मानव का जो एटीट्यूड होता है वो धीरे धीरे चेंज होता है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। ऐसा नहीं कि रात रात बाय रात जो है ना मतलब कि ओवर द नाइट आपका माइंडसेट चेंज हो गया, ठीक है, और आप जिन लोगों को अनइक्वली ट्रीट करते थे उनको आप जो है मतलब कि अपना जो है भाई बंधु मानने लग गए, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि नहीं होता, ठीक है। तो इवन दो पर्सन पीपल आर अवेयर ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लॉ इज अगेंस्ट द लॉ, ठीक है, दे कंटिन्यू टू ट्रीट द पीपल अनइक्वली ऑन द बेस ऑफ कास्ट जो भी है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि लोगों को ये बात पता भी है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अगेंस्ट द लॉ है, लॉ जो है वो मतलब कि इस चीज़ को अबॉलिश कर चुका है, ठीक है। लॉ जो है वो बताता है कि सभी को जो है इक्वली ट्रीट करा जाएगा, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा, लेकिन फिर भी लोग जो है ऐसा करते हैं, लोग दूसरे लोगों को जो है अनइक्वली ट्रीट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस, अमीर है गरीब है, एंड स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि अगर औरत है तो और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस करने को मिलता है, ठीक है। तो इट इज़ ओनली वन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर, ये मतलब वही बात है जो मैंने आपको बताया कि जब लोग सच में बिलीव करना लग जाएंगे कि कोई भी इन्फीरियर नहीं है, ठीक है, और हर एक व्यक्ति जो है वो डिज़र्व करता है डिग्निटी के साथ ट्रीट करना, ठीक है, उसको डिग्निटी मतलब कि उस आत्मसम्मान के साथ में उसे ट्रीट करा जाना चाहिए। जब हर एक पर्सन जो है ऐसा सोचने लगेगा, ठीक है, कि वो हर एक व्यक्ति उसको भाई बंधु है, वो डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट, तब जो है लोगों का एटीट्यूड चेंज होने लगेगा, ठीक है, तब जो है बदलाव हमें और ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इक्वालिटी को डेमोक्रेटिक सोसाइटी में मतलब कि एस्टैब्लिश करना एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है और हमें जो है स्ट्रगल को मतलब कंटिन्यू रखना पड़ेगा, ठीक है, और इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पर, दोनों लेवल पर जो है हमें इसके अगेंस्ट में फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इश्यूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि भारत में ही जो है ये इशू है, कि भारत ही एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही है और जहाँ पे स्ट्रगल हम कर रहे हैं, ठीक है, कि इक्वालिटी को लेके आओ, इक्वालिटी को लेके आओ, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर ही नहीं, ये और भी कई सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मतलब कि इनइक्वालिटी की जो ये चीज़ है, ठीक है, ये बहुत और ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एक बड़ा इशू है ये,
ठीक है, और कम्युनिटीज इसके अगेंस्ट में फाइट कर रही हैं। जैसे कि एग्जांपल लें यूएसए, ठीक है, तो यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी जो है, ठीक है, वो बहुत मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन फेस करती आई है, ठीक है, हिस्ट्री से। अगर आपको पता हो तो जो ये लोग थे अफ्रीकन अमेरिकन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, वो क्या थे, उनके एंसेस्टर कौन थे, उनके एंसेस्टर जो थे उन्हें एज अ स्लेव बना के लेके आया गया था अफ्रीका से, ठीक है, जो ये कॉलोनियल कंट्री, जो ये कॉलोनियल नेशंस जो थे, ठीक है, इनके द्वारा जो है क्या हुआ था कि ये जो है अफ्रीका से इन लोगों को बंदी बना के, स्लेव बना के जो है मतलब कि यूएस में लेके आए, ठीक है। तो जो है इतना डिस्क्रिमिनेशन और जो है स्लेवरी फेस करनी पड़ी इन्हें, जो है मतलब कि इनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव हुआ, तो वो चीज़ अब भी उनकी ज़िंदगी में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है, ब्लैक लाइव्स, ठीक है, मैटर, ये वाला जो एक कैंपेन था जो आया था, ठीक है, आपको आई होप कि इस बारे में पता होगा, तो इसीलिए तो था कि भाई जो ब्लैक लोग हैं, ठीक है, उनको मतलब कि इक्वली ट्रीट नहीं करा जाता, उन्हें जो है इनइक्वालिटी फेस करने को मिलती है अब भी यूएसए में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है 1950s के बाद में थोड़ी सी बदलने लग गई। 1950s के एंड में जो है मतलब कि मूवमेंट स्टार्ट हुई किसके लिए, इक्वल राइट्स के लिए, किसके द्वारा, अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के द्वारा, ठीक है। तो इसके पहले जो क्या होता था, अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग थे उन्हें जो है बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती थी यूएसए में, ठीक है, और उन्हें इक्वालिटी डिनाई कर दी गई थी लॉ के द्वारा, ठीक है, मतलब दे वर नॉट इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉ, समझ रहे हो आप। जैसे एग्जांपल लें अगर, तो जैसे कि बस में कोई अगर व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है वो अफ्रीकन अमेरिकन है, ठीक है, तो अगर कोई वाइट व्यक्ति आया, समझ रहे हो आप, तो मतलब क्या होगा कि अफ्रीकन अमेरिकन जो व्यक्ति है उसको अपनी सीट से उठना पड़ेगा और उस वाइट व्यक्ति को, ठीक है, जो वाइट पर्सन जो है उसको सीट देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो ऐसा ही हुआ था, एक मतलब कि एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी, ठीक है, जिनका नाम था रोज़ा पार्क। तो उनके साथ में क्या हुआ था, बेसिकली जब वो अपने काम से आ रही थी, पूरा दिन जो है काम थके हार के जो आ रही थी, वो बस में ट्रैवल कर रही थी, तो एक वाइट मैन आया और उसने बोला कि मुझे अपनी सीट दो, तो जो रोज़ा पार्क है उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपनी जो है सीट नहीं दूंगी, और इस चिंगारी की ज़रूरत थी, उस चिंगारी की मदद से, ठीक है, एक ज्वाला पैदा हो गई, ठीक है, और जो ये अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, ठीक है, इसने बड़ी एजिटेशन दिखाई, ठीक है, इन्होंने पूरा प्रोटेस्ट किया, ठीक है, रोड पर उतर आए, और ये क्या मतलब किस लिए उतर आए, क्या दर्शाने के लिए कि कैसे अनइक्वल वेज में जो है अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को ट्रीट करा जाता है, ठीक है। और ये जो चीज़ थी, ये जो एजिटेशन थी, जो ज्वाला पैदा हुई थी उस चिंगारी से, ठीक है, वो क्या बन गई, सिविल राइट्स मूवमेंट बन गई, ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट, काफ़ी मतलब कि आपने सुना होगा इस बारे में, ठीक है। तो सिविल राइट्स एक्ट जो है 1964 में आया, फिर इस मूवमेंट के बाद में सिविल राइट्स एक्ट 1964 में क्या बताता है, यूएसए की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो ये सिविल राइट्स एक्ट 1964 क्या बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं करी जाएगी किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजन, चाहे वो किसी रेस से बिलोंग करता हो, किसी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी वो देश से उसका ओरिजन हुआ हो, ठीक है, उसके एंसेस्टर किसी भी देश से बिलोंग करते हो, उसके अगेंस्ट में जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी जाएगी, ठीक है। तो इस लॉ की मदद से क्या हुआ कि अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे जिन्हें अलग स्कूल में पढ़ना मतलब कि पढ़ने जाया करते थे, ठीक है, उनके लिए एक अलग स्कूल था, ठीक है, तो वो जो अलग स्कूल था उसे ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब सभी बच्चों के लिए जो है एक कॉमन स्कूल होगा, जो वाइट बच्चे हैं और जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं वो एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है, दे विल नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल्स स्पेशली सेटअप फॉर देम, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब कि अच्छी हुई सिविल राइट्स एक्ट 1964 के द्वारा यूएसए में, ठीक है। लेकिन इसके बजाय भी जो है मतलब इसके होते हुए भी अब भी जो है मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन लोग जो हैं, ठीक है, वो मतलब कि गरीब हैं यूएसए में, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इक्वालिटी मतलब कि लॉ के द्वारा जो है ये अब वो कर दिया गया है कि सभी जो लोग हैं वो इक्वल हैं, लेकिन अब भी जो है मेजॉरिटी अफ्रीकन अमेरिकन लोग यूएसए में गरीब हैं, ठीक है। मतलब अब भी जो है अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों की अगर कंडीशन देखो आप, ठीक है, तो ऑलमोस्ट उसमें जो जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे जो ऑलमोस्ट जो मेजॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल अटेंड करती है, जहाँ पे मतलब कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, ठीक है, और इतने जो है अच्छे टीचर नहीं देखने को मिलते, कंपेयर टू वो वाले स्कूल जहाँ पे वाइट मतलब वाइट लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, ठीक है। इधर तो वो या तो वो जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, ठीक है, या फिर वो ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, मतलब कि बराबर के लेवल पे हैं प्राइवेट स्कूल से। तो मतलब अब भी जो है, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो मतलब कि उनको इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पा रहे वो, ठीक है, मतलब कि अब भी जो है उनको दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है,
कि मतलब दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड, दे कैन नॉट अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, मतलब कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू अटेंड प्राइवेट स्कूल जिनमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो उन्हें गवर्नमेंट स्कूल अटेंड करना पड़ रहा है जहाँ पे कि मतलब थोड़ी बहुत फैसिलिटी और मतलब कि इतने अच्छे टीचर भी नहीं हैं, समझ रहे हो आप। तो कैसे इनइक्वालिटी यूएस में प्रीवेल करती है अब भी, मतलब ये एग्जाम्पल है अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आप जो है मतलब कि समझ सकते हो। आगे देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है एक आर्ट मतलब कि वो दे रखा है, बॉक्स दे रखा है आर्टिकल 15 से रिलेटेड, ठीक है, आर्टिकल 15 जो है हमारे भारतीय संविधान में उसमें क्या लिख रखा है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे बॉक्स दे रखा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कहने का मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बिल्कुल भी किसी व्यक्ति के अगेंस्ट में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर जेंडर, ठीक है। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, ठीक है, इनके बेस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे ही जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो आप, इन चीज़ों के बेसिस पे आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते सिर्फ, समझ रहे हो, ओनली ऑन दिस, ठीक है। अगर कोई आप अगर आप किसी को बोलो कि भाई तुम तो हिंदू हो, ठीक है, तुम्हें जो है मैं नौकरी दूंगा और ये जो ये मुस्लिम कम्युनिटीज है इसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो इस ग्राउंड के बेस पे जो है आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आप बोलो कि हाँ भाई आप जो है मतलब कि कहने का मतलब आप में जो है स्किल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, यू आर मतलब यू विल बी एबल टू डू दिस जॉब बेटर, ठीक है, तो मैं आपको जॉब पे रखता हूँ, आप जो हो मतलब कि आपको थोड़ा अपस्किल करने की ज़रूरत है अपने आप को, तो इसीलिए आपको मैं जॉब नहीं दे पाऊंगा, दैट कैन बी द ग्राउंड, ये ग्राउंड हो सकता है। लेकिन अगर रिलीजन के बेस पे बोलो आप, रेस के बेस पे बोलो भाई, या फिर कास्ट बोलो आप कि भाई आप तो उस कास्ट से बिलोंग करते हो, आपको मैं नौकरी नहीं दूंगा, तो ये चीज़ जो है ना ये नहीं करी जा सकती बिल्कुल भी। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेट ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। और इसी के साथ में नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन, ठीक है, विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को मतलब कि कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट मतलब कोई भी व्यक्ति के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, ठीक है, विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, पब्लिक होटल या प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, मतलब जो चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड हैं पार्शियली या फुली, उन्हें एक्सेस करने के लिए जो है मतलब आप किसी पे भी बंदिश मतलब कि बंदिश नहीं लगा सकते कि भाई आप जो है यहाँ पर नहीं आओगे, ठीक है, आप उस शॉप पे नहीं आओगे, आप जो है इस मतलब कि इस पार्क में नहीं आ सकते, ठीक है, ऐसा नहीं करा जा सकता बिल्कुल भी, ठीक है। इसके साथ में जो है पब्लिक एमिनिटीज़ या पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे कुआं हो गया, टैंक हो गया, बेदिंग घाट हो गए, रोड हो गए, ठीक है, पब्लिक रिसोर्ट हो गया, पब्लिक का मतलब क्या है कि जो चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा पार्शली कंट्रोल्ड हो या फुली कंट्रोल्ड हो, ठीक है, तो ऐसी जो फैसिलिटीज़ हैं या फिर ऐसी जो जगह हैं शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल या पब्लिक एंटरटेनमेंट की जो जगह हैं जैसे पार्क हो गया, गार्डन हो गया या मतलब कि वाटर पार्क वगैरह जो कुछ भी है, समझ रहे हो आप, तो मतलब यहाँ पर जो है आप ऐसे बंदिश नहीं लगा सकते किसी के, मना नहीं कर सकते किसी को भी आने के लिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ लिखी गई हैं, आर्टिकल 15 में लिखी गई हैं। पॉलिटी में मैं जो है इसको अच्छे से डिस्कस करूँगा, यहाँ पर जो है आप बस दिमाग में रखो कि ये अगर पॉइंट आ जाए, ठीक है, तो आर्टिकल 15 में जो है लिख रखा है ये बात, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन मतलब कि मनाही ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ बता रखा है ये, आर्टिकल 15 में बता रखा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और पॉइंट अगर लिखने हैं आपको तो पॉइंट ये दोनों लिख देना, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी के किसी और मतलब इन बेसिस पर, ठीक है, किसी के अगेंस्ट में किसी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसके साथ में जो है किसी भी सिटीजन पर बंदिश नहीं लगा सकते कहीं पर किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, बंदिश नहीं लगा सकते और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों पॉइंट हैं, ठीक है, इसको लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, ये जो है आखिरी टॉपिक है। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, ठीक है, देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि कोई भी जो कंट्री है उसको आप कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, मतलब कि देर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, ठीक है, कम्युनिटीज़ जो हैं, इंडिविजुअल जो हैं, वो हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि हम जो है और इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें, ठीक है, डेमोक्रेटिक आइडिया जो है, ठीक है, उसको एक्सपैंड कर सके, समझ रहे हो, इक्वालिटी का जो एक ये रिकॉग्निशन है वो सभी को मिल सके और ज़्यादा एक बड़े स्तर पर मिल सके, सभी को इक्वली ट्रीट करा जाए, इसको एक्सपैंड करने का जो है ना बेसिकली स्ट्रगल चलता रहता है, ठीक है, इंडिविजुअल बेस पे भी और कम्युनिटी बेस पे भी, ठीक है, एग्जिस्टिंग इश्यूज़ के लिए भी और नए इश्यूज़ के लिए भी, ठीक है। अब ये जो स्ट्रगल है बेसिकली ये जो आइडिया है, ठीक है,
इसका मतलब बेसिकली क्या बोलते हैं, इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव यही है कि सभी व्यक्ति को जो है इक्वालिटी दी जाए, ठीक है, और उनकी जो डिग्निटी है वो मेंटेन करी जाए, उनकी डिग्निटी को हर्ट ना करा जाए, उनके आत्मसम्मान को हर्ट ना करा जाए, ठीक है। इस पूरी स्ट्रगल का जो है ये दो ही मोटिव है, ठीक है, इक्वालिटी आए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इक्वालिटी हम लेके आए, ठीक है, सभी लोगों के मतलब अलग अलग फील्ड में, हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में, ठीक है, हाउसिंग के फील्ड में, सैनिटेशन के फील्ड में, मतलब कि हर स्तर पर, हर फील्ड में जो है हम इक्वालिटी को लेके आएँ और किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी को जो है हर्ट ना करा जाए, ठीक है। तो ये जो दो चीज़ें हैं इन्हीं के लिए जो है लड़ाई चलती रहती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, ठीक है, कम्युनिटी के लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे जो है इसी आइडिया को एक्सपैंड करने के लिए जो है स्ट्रगल चलती रहती है, ठीक है। तो इस बुक में जो है मतलब हम बात करेंगे अच्छे से और भी इक्वालिटी के बारे में कि कैसे इक्वालिटी जो है हमें मतलब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें अफेक्ट करती है, ठीक है। तो इस बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है, ये सारी चीज़ें जो है हमने बात कर ली है, इन सभी चीज़ों के बारे में कोई भी बॉक्स जो है मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे मिड डे मील स्कीम है, जो ये बच्चे बैठे हुए हैं खाना दे रही हैं यहाँ पे जो महिलाएं हैं, ठीक है, बच्चों, गरीब बच्चों को। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताना भूल गया मैं, गोल नंबर 2, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो SDG जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, वो काफ़ी सारे हैं। तो उसमें गोल नंबर 2 को आपने याद रखना है कि जीरो हंगर, ठीक है। गोल नंबर 2 क्या है, SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल UNDP का, वो है जीरो हंगर, मतलब कि एंड हंगर, भूख को ख़त्म करो, ठीक है, भूखमरी को ख़त्म करो, फूड सिक्योरिटी को लेके का फूड सिक्योरिटी अचीव करो, ठीक है। इसके साथ में जो है न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन को जो है मतलब कि अचीव करो, उसके साथ में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है प्रमोट करो, ठीक है। तो मतलब चार चीज़ें हैं, भूखमरी ख़त्म करो, फूड सिक्योरिटी अचीव करो, न्यूट्रिशन को जो है इम्प्रूव करो, ठीक है, बड़ी जो बच्चे जो हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मील नहीं मिलता उनकी जो न्यूट्रिशन है उसको इम्प्रूव करो, मतलब कि दाल वगैरह डालो उसमें, या फिर जो है मतलब कि और ज़्यादा उन्हें खाने की चीज़ें दो जिसमें ज़्यादा मतलब कि प्रोटीन्स वगैरह हों, न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है। उसके साथ में जो चौथा जो चीज़ है वो है एग्रीकल्चर को मतलब कि सस्टेनेबल बनाओ, ठीक है, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो आने वाली जनरेशन हैं वो भी आराम से मतलब कि यहाँ पर जीवन को बिता सकें धरती के ऊपर। तो SDG नंबर 2 जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है नंबर 2 वाला जो है वो है जीरो हंगर, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पार्लियामेंट की फ़ोटो है यहाँ पे, जो इमेज है ये, ठीक है, ये बता दिया मैंने इसके बारे में, ठीक है। लोग बता रखे हैं, लोग जो हैं कैसे मतलब कि हाथ ऊपर करके खड़े हुए हैं, और जो है ये क्या चीज़ दर्शा रही है कि लोग जो हैं उन्हीं के द्वारा बेसिकली ये रूल है, लोग ही खुद को रूल करते हैं, लोग ही जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में, ठीक है, गवर्नेंस में। तो ये बात बेसिकली हमें बताई गई है। और ये जो है यहाँ पे एक फिल्म की फ़ोटो दे रखी है, 1975 की फिल्म है ये, दीवार, ठीक है। तो इसमें जो बच्चा है बेसिकली वो क्या कर रहा है कि वो मोची है, मोची का काम करता है, और जो है मतलब कि जूते साफ़ करने का काम करता है, तो जूते चमकाने का काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है कि जो ये आदमी है, ठीक है, जो अमीर आदमी है, ये क्या करता है, ये पैसे को फेंक देता है, ठीक है, कॉइन को जो है, सिक्के को फेंक देता है। तो ये बच्चा जो है ना, ये बच्चा बेसिकली क्या करता है, ये बच्चा कहता है कि साहब मैं उठाया हुआ जो पैसा है उसको लूँगा नहीं, मेरे हाथ में दो, ठीक है। तो ये जो अमीर आदमी है फिर उस सिक्के को, ठीक है ना, सिक्के को उठा के इस बच्चे के हाथ में देता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि इस बच्चे की जो डिग्निटी है, ठीक है, वो हर्ट होती है, ठीक है, और उसको बचाने के लिए ये बच्चा कहता है कि साहब मैं उठाया हुआ चीज़ नहीं लूँगा, ठीक है, मतलब कि फेंका हुआ चीज़ नहीं लूँगा, मुझे हाथ में दो मेरे, क्योंकि जो ये काम है ये भी इज्जत का काम है, मैं इज्जत से काम करता हूँ, मेहनत से काम करता हूँ, तो मुझे भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी आप और किसी को दोगे, या जितनी आप अपने कलीग को देते हो उतनी इज्जत मुझे भी मिलनी चाहिए। तो ये इस बच्चे का मतलब कि बताने का जो है मोटिव था, ठीक है। तो ये जो आदमी है, अमीर आदमी है, बच्चे को जो बेसिकली कॉइन देता है उसके हाथ में, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि बेसिकली हमें जो है हर एक काम को छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए, हर एक काम जो है वो बराबर है, ठीक है, हर एक व्यक्ति जो है वो एक इम्पॉर्टेंस मतलब कि रखता है हमारी सोसाइटी में, समझ रहे हो। तो किसी भी व्यक्ति को आप ऐसे छोटा दिखाओ, ऊपर मतलब कि बड़ा दिखाओ, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। हर एक मतलब कि काम का जो है अपना एक इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए, इक्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा हमें लेके आना चाहिए, और डिस्क्रिमिनेशन को जो है बिल्कुल ही जो है मतलब कि क्या बोलते हैं अगेंस्ट, मतलब उसकी हमें खड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने इस चैप्टर में डिस्कस कर ली हैं, एक एक पॉइंट जो है मैंने डिस्कस कर लिया है, सारा कुछ जो है आपको बता दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन करा है। लेकिन अभी कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं वहीं पर आपके क्वेश्चन का, आपकी क्वेरी का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। टिल देन अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, मन लगा के पढ़ो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय, जय हिंद।